Hello everybody. In the today's lesson, on the today's video, we are going to start a new chapter which is the based on the menstruation. It is the part of menstruation. Chapter number 15 of the RBS syllabus, and it is based on the area of circle and some other categories which are also related with the circle, like segment, sector, etc., etc. Means completely this chapter is based on the two-dimensional theory. So first of all, discuss karte apan ek circle pe. A circular structure. This is its center. About the circle, we will discuss at the broad level in a chapter locus. It is the chapter number. It will be the chapter number 10. बहुत deeply discuss होगा उसमें. Circle क्या है? इसपे क्या-क्या theorems बनती हैं? काफी लंबा छोटा derivation है, discussion है उसमें. तो काफी मजा आने वाला है वहाँ पे. It is called as center. This is known as circumference, and it is known as chord, and a chord which passes through the center is known as diameter, and the distance between the circumference and the center is known as radius. ठीक है, एक छोटी सी बात बता देता हूं मैं यहां पे. रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ डायमीटर. And from here we can say that the diameter is twice of radius. Radius is half of the diameter, and diameter is the double of radius. So representation of radius is R, and the symbol for the diameter is D. So D is equals to R by 2. So here D is equals to twice of R, and R is equals to half of D. This is the very important part of a circle. काफी जगह यूज होगा, बहुत लंबा चौड़ा मैटर नहीं है, लेकिन जब छोटी सी चीज नहीं आती ना, तो हम वही उलझ के बैठ जाते हैं, और वो छोटी सी चीज ही अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है. देखने में तो छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये जब मिलती है ना, तो पूरा चैप्टर बनता है. So let's start about the basic formulas which are related to the circle. You will copy in your notebook. First, circumference. देखो ये सभी सर्कल की बातें चल रही है, तो बार बार नहीं कहूंगा circumference of a circle, area of a circle, like this. No. Circumference is equals to 2 pi Okay. Next, circumference या फिर area is equals to pi r square. Area is equals to pi r square. Circumference is equals to 2 pi r. Area is equals to pi r square. अब ये तो मैटर, बस इतनी बातें आती है इसके अंदर, सर्कल के अंदर ये दो ही चीजें आती हैं. सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, एंड एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. और एक फॉर्मूला को लिखना चाहे तो आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2 एंड डी इज इक्वल टू 2 आर. डी इज इक्वल टू 2 आर, एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर ए सर. अब हम चलते हैं सेमी सर्कल पे.
semicircle. First, circumference. ये सेमीसर्कल है, इसको सर्कमफेरेंस बोला जाता है, ना कि इसको। ये सर्कमफेरेंस नहीं है, ये होता है इसका पेरिमीटर। पेरिमीटर तो सर्कमफेरेंस इसमें 2 पाई आर कंप्लीट होती है, तो यहां से इतनी हटा दो, क्या बची 2 पाई आर अपॉन 2, 2 टू कैंसिल, इट मीन्स पाई आर, सिंपल। सो इट इज पाई आर, एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ही होता है। सो पाई आर इज दिस एंड दिस वन ऑल्सो, एंड इट इज डायमीटर, एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म ऑफ रेडियस विल बी 2r, देन पाई आर प्लस 2r, r इज कॉमन, पाई प्लस 2, r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 बचेगा ना, दिस इज r पाई प्लस। नाउ एरिया, थर्ड पार्ट, एरिया कंप्लीट का होता है पाई आर स्क्वायर, और हाफ करना है इसका तो डिवाइडेड बाय 2। सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल इज पाई आर, पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज आर इंटू पाई प्लस 2, एंड द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, एंड दिस टू फॉर्मूलाज आर रिलेटेड विद द एरिया व्हिच इज सर्कमफेरेंस एंड एरिया, एंड दीज आर टू ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ रेडियस एंड डायमीटर। अब नेक्स्ट एक पार्ट हो आता है कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल, मीनिंग ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल, टू सर्कल्स दे हैव ए सेम सेंटर पॉइंट, मीन्स वन सर्कल इज दिस एंड सेकेंड इज दिस, एंड अज्यूम दिस द सेंटर पॉइंट, तो इसका भी सेंटर पॉइंट यही हो गया एंड इसका भी सेंटर पॉइंट यही हो गया, तो इनको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। लेट दिस इज द रेडियस आर एंड दिस इज द रेडियस स्मॉलर वन देन स्मॉल आर। अभी कभी कभी इसका एरिया पूछा जाता है, एरिया ऑफ दिस पोर्शन, तो हम लिखेंगे एरिया, एरिया बिटवीन कंसेंट्रिक सर्कल इज इक्वल्स। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ये एरिया पूरा कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट द होल ऑफ द एरिया, एंटायर एरिया विच इज विद रेडियस ऑफ द लार्जर वन इज आर, देन पाई आर स्क्वायर, एंड रिमूव फ्रॉम दिस होल एरिया दिस वन पार्ट। जैसे ही आप ये हटाएंगे तो आपके पास ये वाला पोर्शन बच जाएगा, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, रिमूव दिस वन फ्रॉम दिस वन, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो गया, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो यहां से, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कंसेंट्रिक सर्कल। यहां लिखना होगा थोड़ा सा वेयर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ एक्सटीरियर सर्कल एंड स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ स्मॉल इंटरनल सर्कल। समझ में आगे बात है, एक छोटी सी बात और बता दूं, ये होता है सिंगुलर फॉर्मेशन ऑफ रेडियस, और
आर ए डी डबल आई, ये होता है प्लेरल फॉर्मेशन। ये रेडियस ये एस लगा हुआ, इसका मतलब इस प्लेरल फॉर्मेशन है, ये सिंगुलर फॉर्मेशन है और ये प्लेरल फॉर्मेशन है, इसका प्रोनाउंसिएशन रेडियस है और ये होता है रेडियाई, रेडियाई। गॉट इट? सो प्लीज फ्रेंड्स नोट इट डाउन। नाउ लेट्स प्रोसीड ऑन द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 15.1। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 15.1 इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। इन दिस केस द रेडियस इज गिवन विच इज 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 15.1, रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड सर्कमफेरेंस एंड एरिया, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। You will apply the formula for the circumference and then formula for the area and calculate the value. Circumference is equals to 2 pi r and area is equals to pi r square. And the value of pi will be 22 upon 7. यदि क्वेश्चन में दे रखा है आपको पाई की वैल्यू ये लेनी है, 3.14 भी होती है, तो आपको यदि 3.14 कब लेना होगा, जब आपको क्वेश्चन में इसका इसके लिए कोई हिंट दे रखा होगा, अदरवाइज यू विल यूज ऑलवेज पाई इज इक्वल टू 22/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट यू विल सॉल्व, सेकंड क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेल यू। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ व्हील इज 44 मीटर। देखो पहली बात तो यहां से अपन को कैसे पता चलेगा कि सर्कल है, बात आ रखी है व्हील की, तो व्हील स्क्वायर शेप में तो नहीं होता कि ऐसे लुढ़कता उछलता हुआ जाएगा, इट इज ऑलवेज सर्कुलर। सो इट इज अ दिस पेरिमीटर सर्कमफेरेंस डिनोटेड बाय द ओनली फॉर द सर्कल, और सर्कमफेरेंस वर्ड आ जाएगा तो भी आप वहीं से समझ लेना कि दिस इज ऑल्सो फॉर ए सर्कल। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 44 मीटर, तो ज्यादा ही बड़ा व्हील है 44 मीटर। कौन सी गाड़ी है ऐसी, चलिए फिर भी है बड़ा करते हैं। सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 44, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 44 इंप्लाइज दैट 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 44। देखो ये 44 से 44 कैसे, या फिर एक स्टेप भी देता हूं, चलो इसको अवॉइड करेंगे, मैंने कैंसिल नहीं किया है, 44 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल टू 44 इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 44 इंटू 7 एंड अपॉन 44, ये कैंसिल, आर इज इक्वल टू 7 मीटर, रेडियस 7 मीटर, मतलब कितना बड़ा हो गया काफी सारा। दो तीन बिल्डिंग के से कलर टायर हो गया। फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ दिस व्हील, सारा एरिया में व्हील ही कवर कर लेगा। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इज 22 अपॉन 7, आर इज 7 स्क्वायर देन स्क्वायर, आंसर इज 154 एंड द यूनिट ऑफ एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर फॉर्मेशन, व्हाट इट, सो इट इज द सेकंड आंसर। Okay, sir. Let's start the question number 3. Question number 3 is radius of a semicircular plot is 21 centimeter.
find the area and perimeter. Radius of a semicircular plot is, a plot is given which is the formation of semicircle, and the radius of this semicircle is 21 meter. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं. हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया एंड पेरिमीटर. एरिया एंड पेरिमीटर. अब देखो सर्कमफेरेंस कैलकुलेट नहीं करना, सर्कमफेरेंस तो यहां से लेके यहां तक होता है, पेरिमीटर जी. एरिया का आप कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर अपॉन टू, और सर्कम पेरीमीटर का मैंने बताया था क्या होगा, आर इंटू पाई प्लस टू. अप्लाई कर देना रेडियस की वैल्यू, पाई इज 22 अपॉन 7 एंड यू विल अचीव योर आंसर. नेक्स्ट पार्ट, ए स्कूटर व्हील, क्वेश्चन नंबर 4, a scooter wheel makes 100 revolutions in covering a distance of 88 meter. Find the radius of the wheel. The distance, question kya dega, the distance covered by wheel in 88 revolution is equals to 100 meter. मतलब 88 टाइम्स रोटेट कर लेगा ना तो 100 मीटर चला जाएगा. तो वो वन, देखो जैसे ये कोई सर्कुलर थिंग है, ये व्हील है, ये यहां से स्टार्ट होता है, वन रिवोल्यूशन करेगा ये यहां आएगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज दिस एंड फाइनली यू करते करते मान लो ये यही वापस आ गया, तो ये इट इज द कंप्लीट वन रोटेशन. सेकंड में मान लो यहां आया, सेकंड में यहां आया, थर्ड में मान लो ये यहां आया और फोर्थ में यहां आया वापस, ये पॉइंट उसी टाइप से रोटेट हो. तो इसने वन रोटेशन में ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल, इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल है ना. सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन वन रिवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 88. So, 88 revolution is equals to 100 meter के इक्वल है, तो 188 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, ये 1 होता, 1 revolution is equals to 100 upon 88. Now, divide, it can be cancelled, 25 upon 22 by 4, 425 जा and 422 जा, तो ये distance होगी वन रिवोल्यूशन. वन रिवोल्यूशन का मतलब हो गया सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू 25/22. कितना होगा इसका सर्कल ऑफ द व्हील, 2πr इज इक्वल टू 25/, सॉरी मैंने ये उल्टा नहीं किया क्या, ये गड़बड़ कर दिया, ये देखो ये मिस्टेक कर दी मैंने, चलो ठीक है. ये बोल रहा है कि 100 रिवोल्यूशन में वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 88 मीटर, तो वन रिवोल्यूशन में कितनी करेगा, 88 अपॉन 100 मीटर. अब ये कैंसिल हो जाएगा, 22 अपॉन 25 मीटर, ठीक. So this is the circumference of the circle, 22/25, sorry for it, 2 × 22/7 into r is equals to 22/25, 22 cancel by 22. Next, हमें क्या चाहिए, हमें क्या कैलकुलेट करना था, we have to calculate here radius of the wheel.
radius of the wave, and the remaining part I am solving in this side, implies that R is equals to 1 upon 25 into 2 numerator, then we go as in denominator and it will become numerator radius. और ये क्या चल रहा है अभी मीटर. फाइनली आंसर क्या आ गया, R is equals to 7 upon 50 meter. Convert into centimeter, R is equals to 7 upon 50 into 100 centimeter. 50 cubes are, R is equals to 14. So the radius of the wheel of scooter is equals to 14 centimeter. Question number next, fifth. Area of a circular plate is 154. Area of the circular plate is 154 centimeter square. Area is 154, and this the plate is in form of circular form. So area of circle will be pi r square. So it is pi r square is equals to 154. Pi is 22 upon 7. R square is equals to 154. R square is equals to 154 into 7 upon 22. Se hi cancel ho jayega, 7 times r square is equals to 49. Implies that R is equals to plus minus under root 49, and R is equals to plus minus 7. Length कभी negative भी हो सकती है कि भाई वो मेरे गांव के उस गांव तक जो 20 का जो distance हो minus 2 किलोमीटर है, ये possible नहीं हो सकता. So radius, length, height, weight, distance, speed, mass, volume, then never you will be negative, always positive. R is equals to 7 centimeter. हमें क्या कैलकुलेट करना था, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर प्लेट जो कि होता है 2 पाई r. अब 2 इनटू वैल्यू अप्लाई करना, आंसर जो भी आएगा वो आपका आ जाएगा. सो सेंस फाइनली वी हैव कंप्लीटेड 5 क्वेश्चन. We have completed all this exercise. It's enough for the today's lesson or lecture. The remaining part we will solve in the next video. So thanks for watching this video. Thank you.